नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आप में से बहुतों के मन में एक सवाल अक्सर घर करता होगा, वो ये कि जिन नेताओं को हमने अपने कीमती वोटों के जरिए अपना जन प्रतिनिधि बनाया है, जो राजनेता आज मंत्री बनकर बिहार की सरकार चला रहे हैं, वो खुद अपने बैंक बैलेंस और धन संपत्ति के मामले में किस स्थिति में है। ये सवाल जहन में आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आए दिन हर विभाग में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपने जनप्रतिनिधियों के असल संपत्ति को जानना भी जरूरी हो जाता है। और नए साल की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपने संपत्ति का खुलासा किया। बता दें कि इस मामले में बिहार सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य के सीएम नीतीश कुमार से लेकर बिहार कैबिनेट के सभी मंत्रियों के धन संपत्ति का विवरण जारी कर दिया गया है। बताते चले कि बिहार सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने चल और अचल संपत्ति, देनदारियों आदि की लिस्ट साल के अंतिम दिन तक बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना था और 31 दिसंबर को ही ये लिस्ट जारी भी कर दी गई। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के अन्य मंत्रियों के जमा किए हुए कुल धन के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट से सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है वो ये है कि मुख्यमंत्री से भी ज्यादा अमीर उनके बेटे निशांत कुमार हैं। जी हाँ, संपत्ति के मामले में निशांत पिता नीतीश कुमार से भी धनवान है। वहीं बिहार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके पास सीएम नीतीश की तुलना में अपार धन है। तो चलिए आपको हम एक एक करके बिहार के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सीएम के बेटे के कुल संपत्ति के बारे में बताते हैं। बिहार सरकार की वेबसाइट पर सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने धन दौलत का विवरण जग जाहिर किया, जिसके मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के पास 29,385 रुपए नकद और करीब 42,763 रुपए बैंक में जमा है। डेटा के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार के पास 16,51,000 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 58,85,000 रुपए की अचल संपत्ति है। तो ये हुई कुल चल और अचल संपत्तियों की कीमत की बात। लेकिन अब हम आपको बताते हैं विस्तार में कि सीएम के पास किस बैंक में कितने रुपए हैं और किस जगह पर उनके पास कितनी जमीन है और उनके पास कितने घर हैं। सीएम नीतीश अपने बैंक अकाउंट में मामूली रकम ही रखते हैं। उनके बोरिंग रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 21,597 रुपए है, तो वहीं SB पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली में 3,157 रुपए है। SBI पटना सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री के अकाउंट में 18,000 रुपए हैं। वहीं कोई फिक्स डिपॉजिट मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। बात अगर घर की करें तो सीएम के पास नई दिल्ली के द्वारका में एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में एक आवासीय फ्लैट है। इतना ही नहीं, सीएम ने गांव में भी उनका एक गौशाला ले रखा है। उन्होंने घोषणा में कहा है कि उनके पास 1,45,000 रुपए की 13 गाय और 9 बछड़े भी हैं। ये तो थी सीएम नीतीश कुमार के खुद की संपत्ति की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे उनके बेटे निशांत कुमार के अर्जित धन के बारे में, जो कि अपने ही सीएम पिता से बहुत अमीर है। घोषणा के मुताबिक सीएम के बेटे के पास 16,549 रुपए नगद और फिक्स डिपॉजिट भी है और अलग अलग बैंकों में उनके पास 1,28,00,000 रुपए जमा है। निशांत कुमार के पास 1,63,00,000 रुपए की चल संपत्ति है और उनकी अचल संपत्ति की कीमत करीब 1,98,00,000 तक है। इतना ही नहीं, सीएम के बेटे नालंदा जिले के कल्याण बिघा और हकीकतपुर और पटना के कंकड़बाग में खेती की जमीन और आवासीय घर के मालिक भी हैं। घोषणा के अनुसार निशांत के पास उनके पैतृक गाँव कल्याण बिघा में कृषि भूमि के साथ ही गाँव में आवासीय जमीन भी है। वहीं आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 को ही राज्य के दोनों डिप्टी सीएम और अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। इसके तहत बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण घोषित किया है। इस दौरान चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि NDA गठबंधन के दूसरे मंत्री भी सीएम से कहीं ज्यादा अमीर है, जिसमें पहला नाम है विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का, जो अपने मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्रियों के लिस्ट में आते हैं।
पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी के पास बैंकों में 23 लाख रुपए जमा है। उनके पास मुंबई में 7 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रॉपर्टी है, साथ ही उनके फ्लैट भी हैं। आपको बता दें कि ये सिलसिला हर कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन चलता रहने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहारी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।